नमस्कार, न्यूज बाई स्कोप देख रहे हैं आप, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो कल कांग्रेस कार्यालय यानी दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई, सीईसी की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान 21 सीटों पर मुहर लग गई और आपको बता दें कि ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी कल दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के अंदर। और इस बैठक के दौरान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ कई बड़े नेता जो है झारखंड के भी मौजूद रहे और दिल्ली के भी नेता मौजूद थे और 21 सीटों पर मुहर लग गई है। अब जो है हम बात कर रहे हैं आपकी, तो झारखंड में कांग्रेस ने 21 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है किसमें कितना दम है। अब ये एक जो सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन कहां से कितना भारी है, कौन किस पर 20 पड़ेगा, कौन कहां पर 19 रहने वाला है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हम राकेश रंजन जी को चर्चा में बुलाएंगे। राकेश जी, यहां पर बात की जाए कि अभी आपने देखा आपके पास भी लिस्ट है, 20 कौन कहां से पड़ने वाला है। 66 सीटों पर बीजेपी ने भी अपने नामों का ऐलान कर दिया है, इधर 21 सीटों पर अभी कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया, कौन किस पर भारी रहने वाला है। देखिए, कौन किस पर भारी रहेगा इस पर तो हम आगे चर्चा करेंगे ही, लेकिन अभी कांग्रेस ने किन सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए, पाकुड़ जो है वो पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की सीट है और उस सीट पर अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ सेकंड फेज में इलेक्शन है, लेकिन सेकंड फेज की कई सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं और खास करके जो सिटिंग MLA हैं उनके नाम ज़्यादातर जगहों पर घोषित कर दिए गए हैं। टिकट ऐसा अभी तक किसी का कटा हुआ देख नहीं रहा है, लेकिन पाकुड़ भी उनकी सीटिंग सीट है, तो यहाँ पर उम्मीदवार की घोषणा अब तक क्यों नहीं हुई है ये एक बात है। और साथ ही साथ बरही से वो उनकी सिटिंग सीट है, उमाशंकर अकेला यहाँ से लगभग 11,000 वोटों से जीते थे, लेकिन उनके नाम की घोषणा अब तक नहीं हुई है। तो ये दो सिटिंग सीट है जिस पर क्यों नाम घोषित नहीं हुआ ये एक बात है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो बोकारो की सीट है वहाँ समरेश सिंह की बहू श्वेता सिंह पिछली बार चुनाव लड़ी थी, इस बार वहाँ से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का भी नाम आ रहा है, तो वहाँ पर भी अभी उम्मीदवार की घोषणा जो है वो नहीं हुई है। इसी तरह से पाकी की सीट है, पाकी में देवेंद्र सिंह दो बार के विधायक रहे हैं और उस सीट पर जो विदेश सिंह परिवार है उसका दबदबा रहा है, बावजूद इसके अभी तक पाकी सीट से क्यों उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। और दो और नाम जो है चौंकाने वाली जगह है, एक डाल्टनगंज से अब तक जो है उम्मीदवार की घोषणा कांग्रेस ने नहीं की है, वहाँ से KN त्रिपाठी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार ये है कि जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं इंदर सिंह नामधारी, उनके बेटे दिलीप सिंह नामधारी भी कांग्रेस के टिकट की आस में हैं और प्रयास किया जा रहा है। तो अब ऐसी परिस्थिति में एक बात ये थी कि अगर दिलीप सिंह नामधारी को डाल्टनगंज से टिकट मिलता है तो वैसी परिस्थिति में KN त्रिपाठी को विश्रामपुर शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन इस सब के बीच जिस तरह से RJD ने एक भूमिका बनाई है और दबाव बनाया है, प्रेशर पॉलिटिक्स खेली है, तो अब चूंकि आपको गढ़वा में जो है वहाँ से JMM ने मिथिलेश ठाकुर को अपना कैंडिडेट बना दिया है, तो अब अगर वहाँ से गिरिनाथ सिंह चुनाव लड़ जाते हैं तो फिर JMM को परेशानी होगी। तो ये हो सकता है कि गिरिनाथ सिंह को वहाँ से विश्रामपुर शिफ्ट किया जाए, और अगर वो विश्रामपुर शिफ्ट होते हैं तो क्या वो लालटेन के सिंबल पर लड़ेंगे या वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, ये देखना होगा। क्योंकि अगर वो लालटेन के सिंबल पर लड़े तो कांग्रेस की एक और सीट कम हो जाएगी। फिलहाल जो स्थिति है 21 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित हुए हैं, लेकिन अभी भी जो है 8 सीटें आपको बाकी दिखती हैं। देखिए, पाकुड़ है, बरही है, अब जमुआ की संभावना तो नहीं है क्योंकि केदार हाजरा JMM में शामिल हो गए हैं तो वो सीट जाएगी। बोकारो है, धनबाद है, कांके है, पाकी है, डाल्टनगंज है, विश्रामपुर है, भवनाथपुर से JMM ने अपना कैंडिडेट दे दिया है, सिमरिया से भी उम्मीद है कि JMM अपना कैंडिडेट देगा और बगोदर से माले को वो सीट मिल जाएगी। तो लगता है जैसे कि 4 सीटें जो है उसकी कट सकती हैं, तो 29 सीटों पर आकर कांग्रेस सिमटेगा। अब जो आपने सवाल किया कि किन सीटों पर जबरदस्त टक्कर है, तो देखिए जो सबसे क्लोज फाइट हम देखते हैं एक सिमडेगा की सीट है, जहां पिछली बार जो है कांग्रेस
कुछ सौ वोटों से जीती थी, इनफैक्ट 285 वोटों से जीती थी बीजेपी से। श्रद्धानंद बेसरा जो हैं वहां से बीजेपी के कैंडिडेट थे, इस बार उन्हें फिर से टिकट दिया गया है। तो एक क्लोज फाइट की ये सीट है और एक बाघमारा की सीट है। ढुल्लू महतो यहां से पिछली बार सिर्फ 824 वोटों से जीते थे और कांग्रेस से जो हैं जलेश्वर महतो वहां से चुनाव लड़ेंगे। जलेश्वर महतो पूर्व में समता पार्टी और जेडीयू के टिकट पर यहां से विधायक रह चुके हैं और उनकी इस क्षेत्र में अपनी एक पकड़ है। तो जो कांग्रेस की नज़र है वो बाघमारा सीट पर ज़रूर होगी कि इस बार अपने कब्जे में ले। हालांकि वहां से ढुल्लू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये दो सीटें जो है सबसे नज़दीकी लड़ाई वाली है। इसके अलावा जरमुंडी की सीट की आप बात कर लीजिए, वहाँ पर भी हार जीत का मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, वो 3-4 हज़ार के आसपास का ही रहता है। पिछली बार भी यही हुआ था, बादल पत्रलेख उसमें जीते थे। तो इस बार बीजेपी से देवेंद्र कुंवर हैं, उनकी कोशिश होगी, हालांकि इस सीट से वो पूर्व में विधायक रह चुके हैं, तो देवेंद्र कुंवर की कोशिश होगी कि जो पिछले दो बार से वो नहीं कर पा रहे हैं, बीजेपी वो सीट लूज कर रही है, तो इस बार इस सीट पर जो है वो कब्जा जमाया जाए। तो बीजेपी की नज़र जरमुंडी पे होगी और जरमुंडी बचाना कांग्रेस के लिए एक चुनौती है। वहाँ से बादल पत्र लेके और चूंकि उनको एक मंत्री पद से हटाया गया तो वो संदेश भी कई बार जनता में अच्छा नहीं जाता कि अगर हटाया गया मतलब काम अच्छा नहीं किया इसलिए हटाया गया। लेकिन बादल पत्रलेख का एक अपना स्वभाव है, उन्होंने अपने क्षेत्र में जो काम किए हैं उसके दम पर वो चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। देखिए जामताड़ा की सीट बहुत हॉट सीट बन रही है क्योंकि वहाँ डॉक्टर इरफान अंसारी के सामने जो है सीता सोरेन होंगे, तो ये एक हॉट सीट बन चुका है जामताड़ा की सीट। आमतौर पर यहाँ एक तरफा चुनाव आपको देखने को मिलता था, इरफान अंसारी बड़ी मार्जिन से पिछली बार जीते थे, लेकिन अब इस बार चूँकि सीता सोरेन कैंडिडेट हैं और यहाँ पर अगर मुस्लिम वोटर्स हैं तो ट्राइबल वोटर्स की संख्या भी बहुत अच्छी है जिसके भरोसे बीजेपी जामताड़ा में अपनी नैया पार लगाना चाहता है। तो इस पर भी, इस जामताड़ा की सीट के चुनाव पर भी तमाम जो विश्लेषक हैं प्रेक्षक हैं उनकी निगाहें रहेंगी कि जामताड़ा से सीता सोरेन या डॉक्टर इरफान अंसारी, ये एक सीट है। महगामा की सीट है, वहाँ से दीपिका पांडे सिंह चुनाव लड़ेंगी और उनके सामने अशोक कुमार भगत होंगे। अशोक कुमार भगत पहले चुनाव यहाँ से कुछ एक बार जीत चुके हैं तो उनकी भी इस क्षेत्र में एक पहचान है। पिछली बार आई दीपिका और आते ही उन्होंने जीत जो है वो हासिल की, तो क्या इस बार वो अपनी जीत को रिपीट कर पाएंगी, ये एक सवाल है। तो यहाँ पर भी एक महगामा में क्लोज फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अक्सर देखने को मिलता है और थोड़ा डेमोग्राफी भी इस तरह की है तो यहाँ पर एक क्लोज फाइट होती है। तो अब देखना है कि इस बार क्या होता है। तो कुछ एक सीटें हैं, बड़का गाँव की सीट की चर्चा आप अभी कर रहे थे, वहाँ अम्बा प्रसाद जो हैं वो कैंडिडेट हैं और पिछली बार अगर आप यहाँ पर इस बार मतलब अम्बा प्रसाद के नाम पर इतना लोग खुश भी नहीं थे, कांग्रेस में ही इसको लेकर विवाद हुआ। सीसी की बैठक से पहले काफ़ी विवाद देखने को मिला, कांग्रेस के लोग ही वहाँ पर विवाद कर रहे थे, अम्बा प्रसाद को नहीं चाह रहे थे कि टिकट मिले, बावजूद इसके टिकट दिया गया है। तो क्या लग रहा है कि वो विवाद सुलझ जाएगा और जो लोग विवाद कर रहे थे, पार्टी के लोग जो नाखुश थे, वो क्या मतलब इस ओर आएंगे? क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि अगर कांग्रेस कहीं हारती है तो पार्टी के अंतर कलह की वजह से ही हारती है। जी हाँ, ये अभी हरियाणा इसका उदाहरण रहा है, लेकिन जहाँ तक किसी भी सीट की आप बात कर लीजिए तो वहाँ पर बहुत सारे लोग टिकट के दावेदार होते हैं, तो उन्हें जब वो टिकट नहीं मिलता है तो नेचुरली उनको टिकट तभी मिलेगा जो सिटिंग विधायक हो या जो पिछली बार चुनाव लड़ा हो उसका टिकट कटे। तो इसके लिए लोग जो है अपनी तरफ से अपनी कैनवासिंग करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। तो ये चीज़ें मैं कई बार सामान्य तौर पर देखता हूँ। अभी बीजेपी के भी उम्मीदवारों की घोषणा हुई तो देखिए कितने ज़्यादा जो है इस्तीफा हुआ है। दुमका से लुईस मरांडी ने कल जीएमएम ज्वाइन कर लिया, सरायकेला से चंपाई सोरेन जहाँ से हैं गणेश महाली ने जो है वो जीएमएम ज्वाइन कर लिया, लेकिन लोग मानते भी हैं। जैसे कि आपको पोटका में मेनका सरदार जो हैं वो नाराज़ थी लेकिन उन्हें मना लिया गया। तो मुझे लगता है कि बड़का गाँव में भी ये कोशिश जो है वो की जाएगी कि जो थोड़े बहुत नाराज़गी है उसको मना लिया जाए। मैं असल में ये कहना चाह रहा था कि पिछली बार जो अम्बा प्रसाद यहाँ से जीते
जीती थी, बड़ी मार्जिन से जीती थी। और उस बड़ी मार्जिन के पीछे वजह ये थी कि बीजेपी और आजसू अलग अलग चुनाव लड़ रहा था। अगर आप दोनों के वोट को जोड़ेंगे तो बीजेपी आजसू को ज़्यादा वोट आए थे अम्बा प्रसाद से, लेकिन फिर भी वो मार्जिन बहुत कम था। मतलब 44 दशमलव, अगर आप देखें वहाँ पर बड़का गांव में, तो 44.24 बीजेपी और आजसू के वोट को जोड़ने पर आता है और अम्बा प्रसाद को 44.13% आया था। मतलब कोई फर्क नहीं था। अब रोशनलाल चौधरी बीजेपी के टिकट पर इस बार वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो बड़का गाँव का मुकाबला होगा वो बहुत कांटे का मुकाबला होगा। तो ये भी एक क्लोज फाइट वाली सीट होगी। और इतने दिनों में जो अम्बा प्रसाद ने अपना काम किया है उसे लेकर वो जनता के बीच जाएंगी। अब इसमें रोशनलाल चौधरी और उनके बीच जो मुकाबला होगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा। अब यहाँ के परिणाम पर भी लोगों की नज़र जो है वो रहने वाली है। इसी तरह से रामगढ़ की सीट है, वहाँ पर पिछली बार जो है ममता देवी जो है वो जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन फिर बाई इलेक्शन हुआ था जब उनकी सदस्यता उस गई थी, उन्होंने इस्तीफा दिया था, तब फिर उस बाई इलेक्शन में सुनीता चौधरी जो है वो जीतने में कामयाब हुई थी। लेकिन चूंकि ममता देवी पिछली बार 2019 में जीती थी तो एक मनोबल उनका हाई होगा, लेकिन यहाँ पर भी परिस्थितियाँ वही थी, बीजेपी आजसू अलग अलग लड़ रहा था, तो इसका नुकसान जो है उन्हें उठाना पड़ा था और इसका फ़ायदा ममता देवी को मिला था। इस बार बीजेपी आजसू का गठबंधन है, लेकिन यहाँ पर भी एक फाइट आपको बनती हुई दिख रही है। इसी तरह से मांडू की सीट है, जहाँ पर पिछली बार बीजेपी जो है वो जीतने में कामयाब हुई थी। जेपी भाई पटेल बीजेपी के कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और इस बार कांग्रेस के टिकट पर वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और बीजेपी ने ये सीट जो है आजसू को दे दी है, आजसू ने वहाँ से जो है वो निर्मल महतो को अपना उम्मीदवार बनाया है। और आपको बता दूँ कि निर्मल महतो पिछली बार जेपी भाई पटेल से बस कुछ एक वोटों से हारे थे, मतलब कुछ हज़ार वोटों से, 2-3 हज़ार वोटों का ही मार्जिन था। तो एक क्लोज फाइट यहाँ पर भी है और इस सीट पर अभी और नज़र रखनी है, क्योंकि ये वो सीट है कि हो सकता है जयराम यहाँ से चुनाव लड़े। जो दूसरी सीट हो सकती है जयराम की, वो मांडू हो सकती है, गोमिया या मांडू में से किसी एक का वो चुनाव कर सकते हैं, लेकिन बहुत संभावना है कि वो मांडू आए। और अगर वो मांडू में लड़ते हैं तो फिर सारे चुनावी समीकरण एक बार फिर से बिठाने पड़ेंगे सभी दलों को। तो इस बात की प्रतीक्षा है कि जयराम क्या घोषणा करते हैं, डुमरी के अलावा वो और किस सीट से चुनाव लड़ते हैं। तो ये मांडू की बात हो गई। हजारीबाग में भी कांग्रेस ने अच्छा कैंडिडेट दिया है, मुन्ना सिंह को कैंडिडेट दिया है। ये जेवीएम के टिकट पर 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं और तब ये तीसरी पोजीशन पर रहे थे, 31,000 से ज़्यादा वोट इन्हें आया था। अब उनके सामने बीजेपी के प्रदीप प्रसाद हैं, ये सीट मनीष जायसवाल की थी, वो जब सांसद बन गए तो ये सीट उन्होंने खाली की और अब प्रदीप प्रसाद को जो है हजारीबाग की सीट मिली है। और पिछली बार मनीष जायसवाल ने ये सीट जो है 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीता था। तो बीजेपी का उत्साह बढ़ा हुआ है और प्रदीप प्रसाद भी जो है एक बार मनीष जायसवाल के खिलाफ 2014 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ चुके हैं निर्दलीय, और जब वो मनीष जायसवाल के खिलाफ भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तब भी उन्होंने 62,546 वोट लाए थे, 62,500 निर्दलीय लड़ते हुए उन्होंने ये वोट लाए थे मनीष जायसवाल के खिलाफ। तो इसका मतलब ये है कि उनकी भी क्षेत्र में पकड़ है, तो वो बीजेपी से उम्मीदवार हैं, तो इस सीट पर भी सबकी नज़र होगी। बेरमो में एक क्लोज फाइट देखने को मिल सकता है, वहाँ से अनूप सिंह कुमार जयमंगल के सामने रविंद्र पांडे, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, गिरिडीह से 5 बार के सांसद रह चुके हैं, और चूंकि अब वो सीट गिरिडीह की जो सीट है लोकसभा में आजसू को चली जाती है, इसलिए इस बार उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है और वो बेरमो से चुनाव लड़ेंगे और अनूप सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो इस सीट पर भी सबकी नज़र होगी कि चूंकि दो हैवीवेट के बीच ये मुकाबला होना है, क्योंकि बेरमो जो है वो राजेंद्र बाबू की कर्मभूमि भी रहा है और यहाँ उनका दबदबा रहा है, उनके परिवार का दबदबा रहा है। राजेंद्र सिंह कई बार यहाँ से चुनाव जीते, फिर जो उनकी विरासत है वो अनूप सिंह के पास गई
और उन्होंने उसका निर्वहन किया और वो बाय इलेक्शन में जीतने में कामयाब हुए थे। तो इस सीट पर भी सबकी नज़र होगी। झरिया एक सीट है जहां पर आपको पूर्णिमा नीरज सिंह के सामने रागिनी सिंह होंगी। तो ये एक ऐसा कॉन्टेस्ट है जिस पर कि सबकी नज़र होती है। सिंह मेंशन के दो परिवारों के बीच जो है ये आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। तो पिछली बार पूर्णिमा नीरज सिंह यहाँ से लगभग 12,000 वोटों से जीत गई थी। अब रागिनी सिंह ने पिछले 5 साल पूरा जोर लगाया है, पूर्णिमा नीरज सिंह ने अपना काम किया है। तो एक यहाँ का भी कॉन्टेस्ट है जिसके लिए सभी लोग प्रतीक्षा करेंगे। इसके अलावा बागमारा मैंने बता दिया, जमशेदपुर पूर्वी की सीट जो है इस बार जो है नज़र में रखने की है। हालांकि ट्रेडिशनली जमशेदपुर पूर्वी की अगर हम बात करें तो वो सीट जो है बीजेपी की सीट रही है, लेकिन ये बात भी है कि ये सीट रघुवर दास की भी सीट रही है। 1995 से रघुवर दास जीतते रहे, सिर्फ 2019 में सरयू राय ने उन्हें पराजित किया था। नहीं तो आप देखिए 1995, 2000, 2005, 2009, 2014 वो जीतते रहे हैं, और जीतते हैं तो वो कम मार्जिन नहीं होती, बड़ी मार्जिन से वो जीतते रहे। लेकिन अब चूंकि वो राज्यपाल बन चुके हैं उड़ीसा के, और उनकी बहू यहाँ से पूर्णिमा दास साहू लड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी अपना दमदार और आप कह सकते हैं कि हेवीवेट उम्मीदवार जो है वो उतारा है, डॉक्टर अजोय को उतारा है। वो जमशेदपुर से सांसद रह चुके हैं, जमशेदपुर में वो IPS ऑफिसर भी रहे हैं, SP के पद पर कार्य किया है। तो उनकी एक अपनी लोकप्रियता है इस क्षेत्र में, और इसीलिए उन्होंने इस क्षेत्र को चुना है। तो ये एक ऐसा कॉन्टेस्ट होगा, तो ये भी एक देखने वाला कॉन्टेस्ट है, और यहाँ पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी कि यहाँ क्या होता है। लेकिन जमशेदपुर पश्चिम भी आप भूल नहीं सकते, वो एक अलग हॉट सीट है, क्योंकि वहाँ बन्ना गुप्ता वर्सेस सरयू राय, दोनों का प्यार तो आप जानते हैं, तो दोनों के बीच जो है एक अलग रिश्ता है। तो वो जो मुकाबला होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि देखिए बन्ना गुप्ता भी बहुत आप कह सकते हैं कुशल राजनीतिज्ञ हैं, और सरयू राय भी बहुत कुशल राजनीतिज्ञ हैं। दोनों की जो राजनीतिक चाल होती है वो बड़ी बहुत सोच समझ कर ली जाती है। तो ये देखना होगा, और मैं तो ये कहता हूँ कि जो इस फील्ड में नए नए आ रहे हो मीडिया के फील्ड में, या जो राजनीतिक विश्लेषक है जिन्हें राजनीति पसंद है, वो इस सीट को मॉनिटर करें और देखें कि दोनों तरफ से क्या चालें चली जाती हैं, और फिर उसका विश्लेषण करें तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी कि कैसे चुनाव होता है। तो जमशेदपुर पश्चिम वो एक सीट है जिस पर मेरी नज़र सबसे ज़्यादा है कि सरयू राय वर्सेज बन्ना गुप्ता, मतलब बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होगा, चूँकि दोनों बहुत ही माहिर राजनीतिज्ञ हैं, और जो चाल चलते हैं देखिए वहाँ पर, एक बन्ना गुप्ता को आप देखिए तो हर जाति में उनकी भी पैठ है, और सरयू राय यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं, उन्होंने बन्ना गुप्ता को भी पराजित किया है, बन्ना गुप्ता ने भी उन्हें पराजित किया। तो ये एक चीज़ है जो कि मुकाबले को और दिलचस्प बना रहा है, और इसलिए इस सीट पर जो है सबके निगाहें रहेंगी कि जमशेदपुर पश्चिम में जो है क्या कुछ होता है। जगन्नाथपुर की सीट है, यहाँ से गीता कोड़ा जो कि लोकसभा का चुनाव हार गई थी, उनकी ट्रेडिशनल सीट है जगन्नाथपुर, और उनके सामने सोनाराम सिंकू होंगे, सिटिंग MLA हैं, और सोनाराम सिंकू जो हैं वो कोड़ा फैमिली के बहुत क्लोज रहे हैं। तो इसलिए इस चुनाव पर भी, जो जगन्नाथपुर का चुनाव होगा उस पर भी सबकी नज़रें रहेंगी। तो क्या नहीं, जो अभी हारी थी गीता कोड़ा, तो क्या लग रहा है आपको कि उसका भी असर दिखेगा यहाँ पर फिर, कि विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हारने के बाद फिर एक लड़ना, आपने देखा सीता सोरेन को भी टिकट दिया गया, भरोसा जताया गया, लोकसभा चुनाव हार गई थी, फिर इधर भी यही चीज़। क्या लग रहा है कि जो भरोसा जताया जा रहा है वो खरे उतर पाए? देखिए बीजेपी की स्ट्रैटेजी बहुत साफ थी कि वो अपने बड़े आदिवासी नेताओं को चुनाव लड़वाएंगे, क्योंकि उनकी जो चिंता है वो 28 ST आरक्षित सीट है, तो वो इन सीटों पर जोर लगा रहे हैं। हालांकि सीता सोरेन को जो है वो जनरल सीट से चुनाव लड़वाया गया है, और
अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो बाद में इसे ही बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा। जामताड़ा की सीट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार देख रहा हूँ कि वहाँ जो मुस्लिम वोटर्स हैं और ट्राइबल वोटर्स हैं उनके बीच जो अगर आप डिफरेंस देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, मुस्लिम थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन ट्राइबल वोटर्स भी वहाँ 27-28% है। और सामान्य सीट पर चूँकि आमतौर पर ट्राइबल कैंडिडेट नहीं होता है, तो ट्राइबल वोटर्स जो वोट किसी और करते हैं जब उन्हें अपना ट्राइबल कैंडिडेट दिखेगा तो हो सकता है कि वो सीता सोरेन के खाते में आ जाए। और फिर बीजेपी का वहाँ जो अपना ट्रेडिशनल वोट है या जो एंटी पोलराइजेशन की वजह से, काउंटर पोलराइजेशन की वजह से इनफैक्ट जो वोट बनता है इरफान अंसारी के खिलाफ, अगर उन दो वोटों को जोड़ दिया जाए तो सीता सोरेन एक समीकरण वहाँ पर बनता है और मुझे लगता है इसीलिए उन्हें वहाँ से टिकट दिया गया है। दूसरी तरफ जगन्नाथपुर सीट जिसकी कि हम बात कर रहे थे, वहाँ गीता कोड़ा मजबूत हैं, ये ट्रेडिशनल सीट है कोड़ा फैमिली की, और चूंकि पिछली बार गीता कोड़ा जो हैं सांसद थी कांग्रेस से तो उन्होंने जो है ये सीट जो है सोनाराम सिंह को सौंपी और वो जीतने में कामयाब रहे, तो इसीलिए इस सीट पर भी सबकी निगाहें हैं कि यहाँ चुनाव कैसे होता है, क्या यहाँ दो प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, इसकी संभावना मुझे कम दिखती है, लेकिन फिर भी इस पर नज़र होगी। खिजरी से राजेश कच्छप हैं और यहाँ पर उनके खिलाफ बीजेपी से रामकुमार पाहन होंगे, पिछली बार भी रामकुमार पाहन चुनाव लड़े थे, लेकिन यहाँ पर भी वही कॉम्बिनेशन है, ये वो एक सीट है जो 2019 में बीजेपी इसलिए हार गई थी कि बीजेपी और आजसू अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, तो इस बार दोनों एक साथ हैं, तो खिजरी सीट पर भी सबकी नज़र होगी, हालांकि लोकसभा में खिजरी से कांग्रेस लीड करने में सफल रही है। इसी तरह से हटिया में जो है वो 2019 की पुनरावृत्ति है, जहाँ तक प्रत्याशियों की बात है, नवीन जायसवाल बीजेपी से और अजय नाथ सहदेव जो हैं वो कांग्रेस से, पिछली बार भी इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला हुआ था जिसमें नवीन जायसवाल जो है वो 16,000 से जीतने में सफल रहे थे, तो इस बार क्या अजय नाथ सहदेव उस हार का हिसाब चुकता करेंगे ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। इसके अलावा मांडर है जहां शिल्पी नेहा तिर्की चुनाव लड़ेंगी, कांग्रेस की तेज तर्रार नेता हैं, और इसके अलावा जो है युवा नेता हैं, उनकी एक अपनी पहचान उन्होंने बनाई है बाई इलेक्शन में जीतने के बाद, जब बंधु तिर्की ने ये सीट छोड़ी या उन्हें छोड़नी पड़ी तो उसके बाद बाई इलेक्शन में शिल्पी नेहा तिर्की यहाँ से जीती और उन्होंने जो है एक पहचान बनाई है, न सिर्फ अपने क्षेत्र में राज्य की राजनीति में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। वहाँ उनके सामने बीजेपी के सनी टोप्पो होंगे जो कभी कांग्रेस में थे अब बीजेपी में आए हैं और इस बार उन्हें जो है बीजेपी पहली बार मांडर से उतार रही है, तो वो होंगे यहाँ पर। इसके अलावा सिमडेगा की सीट की बात मैंने सबसे पहले की, बहुत क्लोज फाइट, श्रद्धानंद बेसरा वर्सेज भूषण बारा, 285 वोट से भूषण बारा पिछली बार जीते थे, इस बार श्रद्धानंद बेसरा वो हिसाब चुकता करना चाहेंगे, या ये देखना होगा कि भूषण बारा अपनी लीड बढ़ाते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस को अच्छी लीड मिली है, तो उस लिहाज से भूषण बारा को उम्मीद होगी कि यहाँ पर जो है उनकी बढ़त होगी। कोलेबीरा एक सीट है, नमन विक्सल कोंगाड़ी की सीट है, दो बार से वो जीत रहे, एक बाई इलेक्शन जीता और फिर उसके बाद 2019 का विधानसभा भी उन्होंने जीता है। और देखिए कोलेबीरा और सिमडेगा दो ऐसे सीट है जहाँ झापा का प्रदर्शन मायने रखता है, चूंकि एनोस एक्का का इन दो क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रभाव है और कोलेबीरा से उनके बेटे संदेश एक्का चुनाव लड़ रहे हैं और सिमडेगा से उनकी बेटी एरिन एक्का चुनाव लड़ेंगी, तो यहाँ पर झापा के प्रदर्शन पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि परिणाम आता क्या है। अगर झापा 25,000 से ज़्यादा वोट लेकर आता है तो परिणाम बदल सकता है। कोलेबीरा में आज तक बीजेपी चुनाव जीत नहीं पाई है, वहाँ कमल खिला ही नहीं है, तो क्या इस बार कमल खिलेगा? सुजान जोजो पिछली बार बहुत आखिरी मोमेंट पर उन्हें टिकट मिला था, इस बार जो है वो चुनाव की तैयारी पहले से कर रहे थे, तो वो कैसा चुनाव लड़ते हैं? और संदेश एक्का चूँकि एनोस एक्का पूरा जोर लगा रहे हैं कोलेबीरा सिमडेगा के लिए, तो झापा का प्रदर्शन कैसा होता है? तो ये दो सीटें भी जो है आपको इस पर नज़र रखनी होगी कि यहाँ ट्राइंगुलर फाइट आपको देखने को मिलेगा सिमडेगा और कोलेबीरा में।
इसके अलावा आप लोहरदगा जाते हैं, वहाँ पर रामेश्वर उराव हैं, अभी मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री हैं झारखंड के, और कांग्रेस सीएलपी के लीडर भी हैं अभी, उनके सामने आजसू नीरू शांति भगत जो है वो चुनाव लड़ेंगी। पिछली बार बीजेपी आजसू में यहाँ गठबंधन नहीं हो पाया था, उसका नुकसान उठाना पड़ा था दोनों को, और रामेश्वर उराव बड़ी मार्जिन से जीते थे। लेकिन आप अगर जोड़ें तो नीरू शांति भगत अगर बीजेपी आजसू के पिछले बार के वोटों को जोड़ें तो वो 48.27% आता है, और रामेश्वर उराव को लगभग 43% वोट मिला था। तो उस लिहाज से लगता है कि नीरू शांति भगत को एज है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार बीजेपी के टिकट से जो है अभी लोहरदगा सांसद जो हैं सुखदेव भगत, वो चुनाव लड़ रहे थे, तो एक उनका अपना भी इंडिविजुअल वोट होता है। तो इसलिए लोहरदगा का चुनाव भी क्लोज होगा, देखना है कि वहाँ क्या परिणाम आता है। मनिका जो एक सीट है वहाँ रामचंद्र सिंह कांग्रेस के टिकट पर, पहले आरजेडी से भी ये विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना पिछला कैंडिडेट बदल दिया है क्योंकि वो आरजेडी में चले गए थे। अब हरिकृष्णा सिंह को वापस से बीजेपी ने टिकट दिया है, और हरिकृष्णा सिंह की बात यह है कि वो भी यहाँ से दो बार विधायक रह चुके हैं, और रामचंद्र सिंह भी दो बार रह चुके हैं, तो दोनों हैट्रिक लगाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। तो देखते हैं कि किसे कौन सफल होता है इसमें। तो ये है 21 सीटों का हाल जिस पर कि कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है, और संक्षेप में हर सीट पर जो मुकाबले की तस्वीर बन रही है वो मैंने बताने की कोशिश की। देखिए संक्षेप में हमने आपको जो कांग्रेस ने 21 सीटों को लेकर प्रत्याशियों के नामों को लेकर घोषणा की है, संक्षेप में अभी हमारे सहयोगी वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी बता रहे थे कि कहाँ कहाँ पर मुकाबला ट्रायंगुलर रहने वाला है, कहाँ कहाँ पर दो लोगों का कड़ा मुकाबला होने वाला है, और इस बार जो है नेक टू नेक चुनाव होगा, और इस बार ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन किस सीट से इस बार हावी है, कौन 20 है। सभी इस बार 20 लग रहे हैं, कोई इस बार 19 नहीं लग रहा है, क्योंकि सभी ने पूरी अपनी जो जितने भी प्रत्याशी उतारे गए हैं, जिस सीट से उतारे गए हैं, सबने बहुत सोच समझ के वहाँ के गणित को, वहाँ के जाति समीकरण को समझ कर अपने प्रत्याशियों को उतारा है, मौजूद रहे और दिल्ली के भी नेता मौजूद थे।